नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों, करनाल में एक रोड महासभा का आयोजन किया जा रहा है जो कि इनेलो पार्टी के तरफ से किया जा रहा है, जिसके अंदर चौधरी अभय चौटाला जो है वो पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें 23 तारीख को जो है करनाल के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहाँ पर रोड समाज के काफ़ी सारे लोग पहुँचने वाले हैं और उसी को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। क्या कुछ इसके अंदर रहेगा, आप सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है जिसमें इस पूरे कार्यक्रम के बारे में समय सारणी के साथ साथ क्या कुछ होगा ये पूरी जानकारी मिलेगी। आप सभी से निवेदन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये है कि कल आने वाली 23 दिसंबर को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा काछुआ रोड मेहता फार्म पर एक रोड महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य वक्ता आदरणीय किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे। जगतगुरु ब्रह्मानंद जी रोड समुदाय में जन्मे थे, उनका जन्म रोड जाति में हुआ था, चूड़मादरा गांव में 24 दिसंबर को। कोई भी जो गुरु आता है वह आध्यात्मिक मार्ग पे लोगों को अध्यात्म का रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, वो किसी जाति के बंधन में नहीं उनको बांधा जा सकता, वो पूरे समाज को एक नई दिशा और आध्यात्मिक मार्ग का रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। पर जब भी उनकी जयंती मनाने की बात आती है तो जिस समाज में उनका जन्म हुआ, जयंती तकरीबन सारे गुरुओं की उनका समाज ही मनाता है। गुरु तो समय समय पर भगवान राम आए, कृष्ण जी आए, कभी वाल्मीकि जी हुए, रविदास जी हुए, गुरु नानक देव जी हुए, तो उनकी जयंतियाँ तकरीबन जिस समाज में उनका जन्म हुआ था वो लोग मनाते हैं। इसी क्रम में रोड समुदाय में भी चूड़मादरा गांव जो कैथल जिले में पड़ता है, 1908 में 24 दिसंबर 1908 में गुरु ब्रह्मानंद जी का जन्म हुआ था। तो रोड समाज पिछले लगभग 10-15 साल से उनका जन्म तिथि का आयोजन बड़े धूमधाम से करते थे। हमारी रोड महासभा, रोड महासभा अब फंक्शन में नहीं है, वो डिफंक्ट हो चुकी है। और रोड महासभा के ऊपर सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की गई। तो इस संदर्भ में गुरु जी का ये पूरे प्रदेश स्तर पर जन्मदिन मनाने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जितने रोड समाज के INLD के पदाधिकारी थे सबको उन्होंने बुलाया और कहा, भाई रोड समाज के बहुत सम्मानित एक संत हुए हैं जिनकी एक रोड समाज में नहीं सारे संसार में सारे जगत में उन्होंने शिक्षा फैलाई, समाज में कितनी कुरीतियाँ थी उनको निराकरण करने का उन्होंने संदेश दिया, नशे के विरुद्ध उन्होंने अभियान छेड़ा, नारी शिक्षा पर जोर दिया। उनका जन्मदिन आपकी बरादरी जोरदार से मनाती थी, लेकिन अब पिछले 4-5 साल से नहीं मनाया जा रहा, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उनका जन्मदिन मनाएगी। चौधरी अभय सिंह जी ने हमारे को आदेश दिया कि भाई आप उनका जन्मदिन मनाओ। हमने इस विषय पर जब वहाँ चूड़मादरा गांव में जो उनकी जन्मस्थली है वहाँ गए, तो उन लोगों ने कहा कि 24 तारीख को तो हम उनकी जन्मभूमि चूड़मादरा और उनकी कर्मस्थली पुंडरी ज़्यादा वहाँ पर सवेरे से लेकर शाम तक हम मनाते हैं, तो आपके उस प्रोग्राम में कम लोग आ पाएंगे, इसलिए आप इसका आयोजन एक दिन पहले करें तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए इस पर विचार विमर्श करके सभी साथियों ने इसका आयोजन 23 तारीख को यानी कल किया है। और इंडियन नेशनल लोकदल के जितने भी कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से रोड समाज के हम जुड़े हुए हैं, सभी कार्यकर्ता साथियों ने मिलकर इस आयोजन किया है। वार्तालाप हमने बुलाई थी कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वहाँ आएंगे, 11 बजे का प्रोग्राम है, तो आप सभी सहादर आदर सभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के रोड बरादरी के जितने इनेलो के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से आप सभी साथियों का निमंत्रण है। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप हमारा ये निमंत्रण सह स्वीकार करें और कल आप अवश्य में वहाँ पहुँच कर
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जो वो बोल रहे हैं उसको कवर करें और उसको प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। और हर गांव में हम जाकर के हमने रोड समाज की एक पुरानी मांग रही है, अभी तक आपका कोई किसी भी पार्टी ने हमको टिकट देकर के राज्यसभा या पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी जिसने आज तक हमारी बरादरी को एक सम्मान देने का काम किया। आज तक बरादरी हमेशा दूसरी पार्टी के तो हमारे साथी हमारी बरादरी के वो इकट्ठे होकर उनके अपने नेताओं के पास जाते हैं, हमें टिकट दे दो जी, टिकट दे दो जी। रोड बरादरी ने 3 बार रोड बरादरी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने टिकट देने का काम किया एमपी का। 1 बार 1984 में जो आज मौजूदा विधायक हैं गरौंडा से, उनके पिताजी को टिकट दिया था एमपी का और भागा होया, फिर विधानसभा का दिया नीलो खड़ी से, जब 85 सीटें हमारी आई थी। उसके बाद 91 में रणजीत सिंह रोड कालखा गांव पानीपत में है, उनको पार्लियामेंट का टिकट देने का काम किया। हमारे बड़े भाई रतन सिंह जी आपके समक्ष बैठे हैं। 3री बार मेरे स्वर्गीय पिता मास्टर केर सिंह जी को टिकट दिया था जब मदनलाल जी सर सारे बोल लो हम गुरु ब्रह्मानंद जी के मनाने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमारी पार्टी ने इसकी शुरुआत 1995 में जुंडला से की थी और उसके बाद सरकार आने पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने नीलो खेड़ी में हमने गुरु बनवंत जयंती मनाई थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो भी मांग थी हमारी सारी पूरी करी। और अब की बार भी हमारे सभी भाइयों ने मिलकर के ये और गुरु ब्रह्मानंद जी एक जाति विशेष के नहीं है, वो सभी जाति के गुरु हैं, क्योंकि ये हमारे राणा जसवीर जी बैठे हैं, इनके भी वहाँ कम से कम 10 एकड़ ज़मीन में है और ओम जब टेलीफोन भी करते हैं तब भी ओम तत्सत है। कुरुक्षेत्र के अंदर जाट बरादरी है काबरसा जींद में, उन्होंने भी गुरु जी का आश्रम बना रखा है। पंडित भी हैं, सिंगला राइस मिल बहुत बड़ा है कुरुक्षेत्र के अंदर, वो भी गुरु ब्रह्मानंद जी को मानते हैं। गुरु ब्रह्मानंद जी एक बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको हर चीज़ का ज्ञान था और जो मुख से बोल दिया वही पूरा होता था। तो अब हम सभी भाई आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि हमारी 2 लोकसभा और 15-16 विधानसभा सीट हैं जो हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था रखती थी और चौधरी देवीलाल ने पहली बार ही एक हमारी रोड बरादरी के राजवीर टुंडी को ओम प्रकाश चौटाला जी ने चेयरमैन बनाया था। उसके बाद अजमेर सिंह एस एस बोर्ड के मेंबर बने और कलीराम पटवारी जी को स्पीडो से टिकट देकर के विधायक बनाया, धर्मपाल को नीलोखड़ी से बनाया, मक्खन सिंह को बनाया विधानसभा की सीट दी। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रोड बरादरी हमेशा साथ रही और हम जो ही हमारा सम्मेलन होगा कल का, इसमें भी हम अपनी बरादरी के सभी लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले समय में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को समर्थन करें और जब उनकी सरकार होगी तो हमारी सभी बरादरी की सभी भाइयों की जय जयकार होगी। आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और दूसरे जो कमेटी के साथी हैं इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यानी कल 23/12 को जगत गुरु ब्रह्मानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रोड महासम्मेलन बुलाया गया है जिसके मुख्य अतिथि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे और इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है 25 आदमियों की, जिसमें मैंने आपके सामने नाम भी बोले और वह कमेटी बना करके वो अपने खर्चे से ये प्रोग्राम कर रही है। हमने करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र के सभी रोडों के गांव में जाकर के इस कमेटी ने जो लगभग 250-350 गांव पड़ते हैं उन सभी गांवों में जगत गुरु ब्रह्मानंद जी के जन्मदिन का और रोड महासम्मेलन का न्योता दिया और उस न्योते में सभी को आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में जगत गुरु ब्रह्मानंद जी के विचारों पर अमल किया जाएगा और वहां पर एक भंडारे का आयोजन किया गया है सभी साथियों के लिए और सुबह हवन यज्ञ होगा, उसके बाद आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के विचार सुनेंगे और हमने जो गांव-गांव जाकर के प्रचार किया उससे एक जागृति और एक खुशी मिली लोगों के अंदर, भाई आपने एक बहुत बढ़िया काम किया। जो आज के समय में जो ये बेरोजगारी हरियाणा के अंदर फैल रही है इसकी आवाज़ उठाने वाले आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को आपने आमंत्रित किया है, मुख्य अतिथि बनाया है, क्योंकि विधानसभा में उन्होंने
बेरोजगारी के ऊपर आवाज़ उठा करके एक सराहनीय काम किया और उन्होंने एक बात और रखी जो आज हमारे बुजुर्ग और बच्चे वहाँ विदेशों में बैठे हैं, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, उनकी दवा दवाई के लिए भी वो बच्चे नहीं आ सकते या कोई बीमारी या कोई दिक्कत आती है तो वो नहीं आ सकते। उन्होंने एक बात और रखी इसके लिए कोई न कोई कानून बनाया जाए जिससे कि वो बच्चे अपने घर आ जा सकें। और हमारा तो कहने का मतलब है जो भी आज हरियाणा के अंदर चौधरी अभय सिंह उठा रहे हैं, चाहे किसान की हो, चाहे व्यापारी की हो, चाहे बेरोजगारी की हो और चाहे महिलाओं पर अत्याचार की हो, तो आज तक कोई भी विपक्ष के नेता भी खामोशी से बैठे रहते हैं विधानसभा में। मैं तो आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी का और आदरणीय अभय भाई साहब जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने समय समय पर हरियाणा की सुध ली। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ आप सभी कल के लिए पत्रकार साथी आमंत्रित किए जाते हैं, आप सभी से निवेदन है भी कल के उस सम्मेलन में आप भाग लेकर के उस सम्मेलन की कवरेज करें और जो भी वहां पर विचार रखे जाएंगे उनको अपने माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी आए और सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद। पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का छायाकार साथियों का यहां पहुंचने पर अपनी ओर से और पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और साथियों कल के प्रोग्राम के बारे में आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि अभी हम मेहता फार्म से आए हैं, वहां जो हमने व्यवस्था देखी है उस ग्राउंड में बैठने को जगह नहीं मिलेगी, करीब 8,000 और 10,000 लोग वहां हम जो प्रोग्राम करना है उसमें उनकी लंगर की व्यवस्था प्रसाद वहां वितरित किया जाएगा। अभय सिंह चौटाला जी के स्वागत में करीब करीब 8,000 और 10,000 के बीच में गैदरिंग वहाँ होगी और आप सभी को इसीलिए बुलाया है कल इस पावन पर्व के ऊपर गुरु ब्रह्मानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष में आप सभी से हम प्रार्थना करते हैं वहाँ आप शोभा बढ़ाएं और आप अपनी कलम से और अपने इस आप चैनल के माध्यम से हमारा प्रचार और प्रसार इसी प्रकार से करें जिस प्रकार से आप पहले भी करते आए हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आप सभी का, पत्रकार साथियों का और साथियों हर छोटे बड़े आदमी का बहुत ख्याल रखती है। भाई अभय सिंह चौटाला जी आपके बीच में होंगे और इसी प्रकार से हमने 1995 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे जब ये आपका पर्व हमने ब्रह्मानंद जी का जन्मदिन वहाँ मनाया था और मैं भी इसमें एज पर प्रोटोकॉल जिला प्रधान होने के नाते और मैं इस बरादरी से भी बहुत नज़दीक हूँ, मैं ब्रह्मानंद जी के भी बहुत नज़दीक हूँ। पिछली तीसरी पीढ़ी में हम ब्रह्मानंद जी के साथ चल रहे हैं, हमें बहुत इसमें उन्होंने मार्गदर्शन किया और बहुत अच्छा लगा और आगे भी इसी प्रकार से उनके साथ रहेंगे। और उनका झंडा जिस प्रकार कल भी मैं कुरुक्षेत्र कार्यक्रम में था वहाँ हमारा ब्रह्मानंद आश्रम है, वहाँ से चलकर गुरु ब्रह्मानंद चौक है वहाँ पे हम आए साथ झंडा लगाते हैं, वो झंडा लगाने के भी मैं उस प्रोग्राम में शरीक था। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है 23 तारीख को आप मेहता फार्म में पहुंचकर बढ़ चढ़कर आप शोभा बढ़ाएं और अपनी लेखनी से और अपने साथियों चैनल के माध्यम से हमारा प्रचार करें आप। तो आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।